मैं कट तो कर दूं पहले क्लैप। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, तुम देख रहे हो, एक्चुअली मैं अपने घर आ गया हूँ और ये हम मेरा नहीं, सोफे वाला कमरा है। सो यहाँ पे वैसे कोई आता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है इस बारे में कि मैंने अपना गेमिंग कॉलेज कैसे चूज़ किया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और सारी वीडियो में मैं बताता ही हूँ कि मैं एक्चुअली गेमिंग कॉलेज में हूँ। इट इज़ BCA पर इन स्पेशलाइजेस इन गेम डेवलपमेंट। बेसिकली गेम डेवलपमेंट का कोर्स है, गेम डेवलपमेंट सिखाते हैं, गेम बनाना सिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, पर बेसिकली यही है। तो यार, ये स्टोरी है एक्चुअली कि कैसे चूज़ किया था गेम डेवलपमेंट, क्योंकि काफ़ी नीश चीज़ है। मैंने सोचा इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारे लिए जानना, और क्या पता तुम्हें भी चूज़ करना हो गेम डेवलपमेंट, और तुम सोच रहे हो कि कैसे करोगे। तो मैं बताता हूँ मेरा प्रोसेस क्या था। बात है 2020 की, जब मैं अपना 12th करके निकल गया था और काफ़ी टाइम हो गया था। हमारे पास PCs थे, मतलब मेरे पास PC था, मेरे दोस्तों के पास भी PC था, और हम लोग गेम्स खेलते थे काफ़ी ज़्यादा। एपेक्स लेजेंड्स हो गया, वैलोरेंट भी आ गया था उस टाइम तक, तो हम वैलो भी काफ़ी खेल रहे थे। इस टाइम तक हमने सोचा नहीं था कि कॉलेज ज्वाइन करना भी है नहीं। मैं तो नहीं करने वाला था एक्चुअली कॉलेज ज्वाइन। मैं सोच रहा था कि कोई कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करूँगा, या तो यूट्यूब या गेम्स अपने अपलोड करके आराम से बिजनेसमैन और करियर और पता नहीं क्या क्या, अब अमीर बन जाऊँगा जो भी है। पर फिर एक्चुअली मैंने सोचा कि बैचलर्स कर ही लेते, क्या जा रहा है ना, और पेरेंट्स भी कह रहे थे, लेकिन मोस्टली यही था कि करियर। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि बैचलर्स कर लेते हैं। तो हमने सर्च किया गूगल पे गेम डेवलपमेंट कॉलेज या कॉलेजेस, पहले कॉलेज वाले सर्च करें, पर फिर हमने सोचा कि हाँ, गेम डेवलपमेंट सही लग रहा है, क्योंकि गेम डेवलपमेंट हम कर ही रहे थे, मतलब हम गेम्स खेलते थे, और ऐसा तो है नहीं कि गेम खेलने का कॉलेज आ गया अभी इंडिया में। तो हमने बहुत सारे कॉलेजेस सर्च मारे और काफ़ी सारे मिले भी, जैसे LPU वगैरह थे और ग्राफिक वगैरह थे, और भी थोड़े थोड़े और यूनिवर्सिटीज़ थी जो एक्चुअली गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड बैचलर्स करा रही थी। बैचलर्स इन डिज़ाइन था, जिसमें गेम डिज़ाइन सिखाते थे, और बैचलर्स इन वही MCA भी था, BCA, जिसमें गेम डेवलपमेंट भी सिखाते थे। LPU में था और काफ़ी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी था, पर हमने फिर उनकी फ़ीस देखी। फीस उनकी एक सेमेस्टर की फीस 1 point something lakhs में थी, कि मैं इतनी ज़्यादा फीस नहीं देना चाहता था स्टार्ट में, क्योंकि मुझे पता था कि ऑनलाइन सीख सकता हूँ मैं ये सब, तो मुझे इसके लिए इतना ज़्यादा हाई पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फाइनली हमें ना कुछ कॉलेजेस मिले जिनकी फ़ीस ठीक थी, ऐसे 1 point something lakhs थी पर annum, बट विथ स्कॉलरशिप्स वगैरह वो एक्चुअली 70,000 से भी डाउन हो सकती थी। तो कुछ कॉलेज ऐसे थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर हाँ कुछ थे ऐसे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हमें मिली थी अभी तक, वो एक्चुअली काफ़ी दूर थी, कुछ कुछ पुणे में थी, कुछ कुछ बैंगलोर में थी, कुछ मुंबई में थी। ये काफ़ी इनकन्वीनियंट था हमारे लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, 2,000 किलोमीटर कम नहीं है। तो फिर फाइनली मुझे एक कॉलेज मिला जिसका नाम है CMEDU, जिसमें मैं अभी हूँ। ये कॉलेज था एक्चुअली चंडीगढ़ में, एक्चुअली ये कॉलेज नहीं, इसको इंस्टीट्यूट ही बोलो, क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा ही है, पर हाँ ये था चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ एक्चुअली यहाँ से काफ़ी पास तो नहीं, पर काफ़ी दूर भी नहीं है, 300 किलोमीटर समथिंग, 3-4 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, तो काफ़ी सही था और चीप भी है एक्चुअली। चंडीगढ़ नहीं, मेन सिटी चीप नहीं है एक्चुअली। जहाँ पे हमारा कॉलेज था वो थोड़ा चंडीगढ़ के थोड़ा साइड में था, तो फिर वहाँ पे हमें रहना भी थोड़ा चीप पड़ता, ये मैंने सुना था पहले ही। तो फाइनली कॉलेज सेलेक्ट हो चुका था CMEDU। हमने इसका वेबसाइट देखा, हमने देखना शुरू किया कि क्या क्या सिखाते हैं और क्या बैचलर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेन यही था कि बैचलर्स या कोई डिग्री होनी चाहिए। तो हमें देखा कि हम बैचलर्स हैं, हमें देखा फीस ठीक है, ऐसे बहुत कम नहीं थी और बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, और हमने देखा कि डिस्टेंस कितना है और कितनी जगहों पे है ये। तो एक्चुअली CMEDU 3-4 जगहों पे है, जिस टाइम पे हम थे उस टाइम चंडीगढ़, पुणे और बैंगलोर में था, पर हाँ उस टाइम इन तीनों लोकेशंस पे था ये, और हमने सोचा कि इससे जो क्लोजेस्ट है वही ले लेते हैं। उस टाइम हमें पता नहीं था कि कौन सी सिटी में जाना चाहिए हमें और कौन सी सिटी ज़्यादा डेवलप्ड है, और ना ही हमने इतना जॉब के बारे में सोचा हुआ था कि हाँ बैंगलोर जाएंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी ऐसा कुछ। तो हमने ऐसे ही सिलेक्ट किया डिस्टेंस के हिसाब से कि कौन सबसे ज़्यादा पास है अपने। तो हमने फाइनली सिलेक्ट किया ऑफकोर्स चंडीगढ़। देखो टेक्निकली CMEDU उस टाइम चंडीगढ़ में भी नहीं था, चंडीगढ़ के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, मोहाली के साइड। तो हमने फाइनली चंडीगढ़ सिलेक्ट किया और हम लोग सब तैयार कर चुके थे, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करे, मार्कशीट्स वगैरह जो भी है, और फिर फाइनली टाइम हुआ एडमिशन का। तो ऑफकोर्स जैसे तुम्हें पता ही है, तुम किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ तो तुम्हारे पास हज़ारों कॉल्स आने लगते हैं एडमिशन के, वैसे ही हमें भी कॉल आने लगे। तो जैसे ही कॉल आया, और मैंने एक्चुअली अप्लाई भी कर दिया था वेबसाइट से ही, तो वेबसाइट पर अप्लाई करने के बाद मेरे को कॉल आया और मेल आया कि भाई जो हमने तुम्हारी एप्लीकेशन देखी है वगैरह वगैरह, और ज्वाइन करना है वगैरह वगैरह जो भी है। और उसने मुझसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछी, मैम थी एक, उन्होंने मुझसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछी कि क्या है, कैसे ज्वाइन करना है वगैरह वगैरह जो भी है, और मुझे थोड़ा प्रोसीजर समझाया। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे एक्चुअली मेरे अब जो है वो मेरे टीचर हैं,
मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे तुम कौन से गेम्स खेलते हो, तुम गेम्स में कैसे आए, कैसे इंटरेस्ट आया, कि फोर्स तो नहीं कर रहा ज्वाइन करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया जो कि मैंने अभी तक पूरा नहीं किया। बेसिकली मुझे एक स्टोरी लिखने के लिए कही थी उन्होंने गेम के लिए, एक स्टोरी गेम के लिए, आरपीजी गेम के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिखी, मैं लिख नहीं पाया और मैं ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरे दोस्त को नहीं कही थी तो मैंने सोचा यार मेरे को क्यों एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, तो मैंने छोड़ दिया। तो फाइनली सर से बात बात करी और उसके बाद हमने कंफर्म किया कि हाँ ये कॉलेज ऐसे ये सब सिखाता है, यूनिटी सिखाता है, ये मल्टीप्लेयर वगैरह जो भी है ये सब सिखाता है। फिर हमने थोड़ी और फोटोज़ वगैरह देखी, अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया था कॉलेज कि सच में है या क्या है जो भी है, हमने बस कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखी और हमने बोल दिया कि हाँ चलो हमें एडमिशन करना है। फिर मुझे एक्चुअली कंफर्म करना था कि हाँ कॉलेज ज़मीन पे एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो उन्होंने गूगल फोटोज़ डाली थी वो थोड़ी वेग सी थी और दिख नहीं रहा था उसमें कॉलेज साफ साफ कि हाँ सीमेडू लिखा हुआ है ऐसा कुछ। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ोटोज़ थी, बच्चे थे, कैंटीन जो भी है, लाइब्रेरी एरियाज अच्छा दिख रहा था, क्लियर फोटो नहीं थी कि हाँ सीमेडू का बोर्ड लगा हुआ है ऐसा कुछ। तो हमने सोचा कि कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ कॉलेज एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मेरे एक मामा रहते हैं चंडीगढ़ में, तो मैंने उन्हें कॉल किया और उन्हें बोला जाने के लिए कि हाँ देख के आओ कि कॉलेज ज़मीन पर है भी या नहीं। एक दो दिन बाद उनका कॉल आता है, वो बताते हैं कि हाँ कॉलेज तो है, बढ़िया है, ऐसे वगैरह वगैरह, बिल्डिंग्स जो भी हैं अच्छी है। तो और क्या था, फिर हमने मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने एक साथ अप्लाई किया, एक साथ एडमिशन लिया, हमने फीस पे करी स्टार्टिंग की जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा, समथिंग लाइक 30,000, 10,000 सिक्योरिटी का था तो 40,000 समथिंग का था, और हमने ये दिया और हम लोग बेसिकली एडमिशन ले चुके थे अब। तो इस तरह मैंने एंटर किया अपने गेमिंग कॉलेज में। गेम डेवलपमेंट काफ़ी नीश इंडस्ट्री है, तो मुझे लगा कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे इसका कॉलेज या इसकी डिग्रीज़ वगैरह क्या हैं और भी छोटी छोटी डिटेल्स। इतना मैंने इसमें डिटेल में नहीं बताया, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओवर एंड आउट।